हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोडेक बजट। सो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्ड करने वाला हूँ गेमिंग पीसी अंडर ₹60,000। और फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको सब कुछ डिटेलिंग में बताऊंगा, वायरिंग से लेकर स्पेसिफिकेशन तक सब कुछ। आज की वीडियो देखने के बाद आप पीसी बिल्ड अपने घर पे कर सकते हो, आपको दुकान में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक वायरिंग का इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने का पूरा ट्राई करूंगा। अगर मैं किसी प्लग्स का यूज नहीं भी करता हूं, तो उस प्लग का भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि वो प्लग किस लिए यूज होता है और इन फ्यूचर आप उसमें क्या क्या लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल अकाउंट का डिटेलिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आज के सारे ही प्रोडक्ट्स का भी मैं अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट अमेजॉन से परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट लगा मुझे इसे बिल्ड करने में। और फ्रेंड्स, ये एक बजट पीसी है, इसे बिल्ड करने में अगर कहीं से मेरा ₹10 भी बच रहा था तो उसे मैंने बचाया है। सो फ्रेंड्स, जो पहले नंबर पे आता है वो है B500। 85% एफिशिएंसी के साथ बहुत ज़्यादा सुपर सा पावर सप्लाई है ये, और इसमें आपको 3 ईयर्स का वारंटी देखने को मिल रहा है। और इसका आज के दिन मार्केट प्राइस है अप्रॉक्स ₹3,000 इन Amazon, लेकिन मेरा बजट का प्रॉब्लम था तो इसलिए मैंने इसे सेकंड हैंड परचेज किया, तो मुझे ये पड़ा अप्रॉक्स 1,500 का। और अप्रॉक्स 1 साल हुआ है इसे यूज़ करे, और जिस भाई से मैंने ख़रीदा उसे अपना पीसी को अपग्रेड करना था, इसीलिए उसने इसे सेल किया। और जो अगला आता ये है WD ग्रीन 480 M.2 NVMe SSD, और इसमें आपको 545 MB पर सेकंड का स्पीड मिल रहा है जो कि कमाल है फ्रेंड्स। और इसमें आपको 3 ईयर्स का वारंटी भी देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी सही है, देख सकते हो आप। और मैंने 480 का इसलिए ख़रीदा क्योंकि 480 का जो प्राइस है ये है अप्रॉक्स ₹4,500, और जो 500 GB का है उसका प्राइस है अप्रॉक्स ₹5,200। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 20 GB का कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मुझे अप्रॉक्स ₹700 मेरा यहाँ पे सेव हुआ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अगला है। सो फ्रेंड्स, अगला आता है राइजन 5 3600 गेमिंग प्रोसेसर। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, कि आप प्रोसेसर कभी सेकंड हैंड मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंडरिंग, बहुत ज़्यादा एडिटिंग और रेंडरिंग की वजह से प्रोसेसर जो होता है वो मतलब उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मतलब अगर इसमें सही सा कोई एयर कूलिंग नहीं लगाया और दबा के इसमें अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो धीरे धीरे इसका परफॉर्मेंस स्लो होने लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी प्रोसेसर पुराना मत ले, इससे अच्छा आप कोई लो बजट का प्रोसेसर खरीद लें। और फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी सही प्रोसेसर है, 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है ये, और इसमें आपको 6 कोर देखने को मिल रहा है, 12 थ्रेड देखने को मिल रहा है, और जितना ज़्यादा थ्रेड होगा उतना अच्छा मल्टीटास्किंग के लिए माना जाता है प्रोसेसर। 3500 में आपको कोर तो 6 मिल रहा है लेकिन उसके थ्रेड भी 6 है, इसलिए मैंने उसे परचेस नहीं किया, मैंने इसे परचेस किया। और इसमें आपको बेस फ्रीक्वेंसी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ मिल रहा है, और जिसे आप बूस्ट कर सकते हो अप्रॉक्स 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक। हालांकि मैं इसे अभी फ़िलहाल बेस फ्रीक्वेंसी पर ही चलाऊंगा, मैं इसे कोई बूस्ट नहीं करूंगा। इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि मैं क्यों अभी इसे बूस्ट नहीं करूंगा, इन फ्यूचर मैं ज़रूर इसे बूस्ट करूंगा और मैं तब भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, एक और बात, इस प्रोसेसर में आपको कोई भी ग्राफिक इनबिल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप इस प्रोसेसर का यूज़ करो तो आपको कोई ना कोई ग्राफिक कार्ड यूज़ करना ही है फ्रेंड्स, नहीं तो पीसी ही ऑन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई भी सस्ता वाला खरीद ले। सो फ्रेंड्स, बजट के प्रॉब्लम की वजह से मैंने भी सस्ता वाला ही खरीदा, जिसका मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा खरीदा। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेसर के कूलर के हीट सिंक में ही आपको थर्मल पेज देखने को मिल जाएगा, आपको सेपरेटली कोई पेज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसे इंस्टॉल करें और ये रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं, अगला ये है क्रूसेल ब्लेस्टिक स्पोर्ट्स, और ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छे कंप्यूटर्स के प्रोडक्ट्स बनाता है, और ये एक बजट प्रोडक्ट्स है। हालांकि मैं कॉर्जियर के साथ नहीं गया, ना ही XPG के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है और उनके रैम्स मुझे 6000 के ऊपर मिल रहा था, और इसका प्राइस है अप्रॉक्स ₹5,500, और ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। हालांकि मुझे इसमें RGB नहीं मिल रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर आप देख सकते हो मेटल का हीट सिंक देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इसका लाइफ लॉन्ग काफ़ी अच्छा है। और ये एक बजट प्रोडक्ट है, चीप प्रोडक्ट नहीं है, चीप प्रोडक्ट में आपको और 2-3 वैरायटी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक मेटल का हो गया
और भी एक ब्रांड था, हालांकि मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इससे सस्ते भी आपको दो ब्रांड देखने को मिल जाएगा। उसमें भी आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसमें भी सेम है, लेकिन ये एक बजट प्रोडक्ट है, इसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। और ये 16 GB का है, और मेरा फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं इस PC में 16 GB के ही 4 RAM को इंस्टॉल करूंगा, इसलिए मैंने 16 GB का खरीद। और अगर आपका भी बजट का प्रॉब्लम है तो आप 8 GB का खरीद सकते हो, और इन फ्यूचर आप 8 GB के फोन लगा सकते हो, तो आपका टोटल हो जाएगा 32, और मेरा प्लानिंग है 64 GB का। सो फ्रेंड्स, मैं जो ग्राफिक कार्ड यूज करने वाला हूँ वो है जोटेक जी फोर्स GT710 1GB DDR3। और फ्रेंड्स, ये एकदम बाबादम के जमाने का ग्राफिक कार्ड है, अप्रोक्स 5 साल से मेरे घर पे पड़ा हुआ था, और मैं फिलहाल लैपटॉप यूज़ करता था, इसीलिए मैं PC यूज़ नहीं करता था, इसीलिए ये मेरे रूम में पड़ा हुआ था। और अब मैं 5 साल बाद इसे अपने इस PC में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बजट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए और कोई ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास इसके अलावा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके आपका भी हालत ये हो तो आप इसे सेकेंड हैंड खरीद सकते हो। इसका प्राइस अप्रॉक्स आपको 700-800 में मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1650 सुपर वाला ही ग्राफिक कार्ड खरीदो, उसका प्राइस है अप्रॉक्स 14,000 से 15,000 रुपीज, और वो एकदम परफेक्ट है गेमिंग के लिए भी और एडिटिंग के लिए अगर बजट के मामले में देखा जाए तो। इन फ्यूचर मैं भी उसी को ही परचेज करने का प्लानिंग कर रहा हूं, और उसका और जब मैं उसे खरीदूंगा तो उसका भी मैं सेपरेट अनबॉक्सिंग वीडियो इस चैनल पे जरूर डालूंगा। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उसका अनबॉक्सिंग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, एक अच्छे ग्राफिक कार्ड ना होने के वजह से ही मैं अभी इस प्रोसेसर को बूस्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगला है गीगाबाइट्स का आरओएस B450, और इस मदरबोर्ड के मैंने चूज़ किया क्योंकि फ्रेंड्स, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बहुत कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसे, क्योंकि इसमें RGB से काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है, इसके ऊपर के आप ये जो चिड़िया देख सकते हो, चिड़िया में भी आप काफ़ी सारे कलर्स के आपको RGB देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के काफ़ी सारे मोड आपको इसके बायोस में देखने को मिल जाएगा, और इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स है। इसमें आप अप्रॉक्स 64 GB तक रैम सपोर्ट, RGB लिक्विड कूलर को आप इसमें ऐड कर सकते हो, और 3 सिस्टम फैंस आप इसमें यूज़ कर सकते हो, और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 12,000 रुपीज़ इन Amazon। सो चले फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं, और अगला है ये कैबिनेट, इसका प्राइस है अप्रॉक्स 3,500 रुपीज़ इन Amazon। मैंने इसे परचेज किया क्योंकि इसका भी लुक मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे मेरा फेवरेट है ये, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, साइज़ में एकदम कमाल का है, और इसके ऊपर का जो लुक है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन इसमें और इसमें आपको 120 mm का कूलिंग फैन देखने को मिल रहा है, हालांकि मुझे वो फ़ैन उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं इन फ्यूचर उसे चेंज करने वाला हूं, क्योंकि उसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है और उसमें सिर्फ छोटे छोटे रेड लाइट दे रखा है, जो कि उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। और इसके जो नीचे जो आप फ़ैन देख रहे हो, ये मेरा खरीदा हुआ फ़ैन है, इसका प्राइस है अप्रॉक्स 200 रुपीज़, और इसे मैंने खरीदा है लोकल मार्केट से। और इस कैबिनेट में आपको USB 2.1 का 1 सॉकेट देखने को मिल रहा है, और दूसरा है 3.0 का 1 सॉकेट, और एक हेडफोन्स का, और एक है माइक का, और साथ ही में आपको इसमें 1 पावर बटन और दूसरा रिस्टार्ट बटन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही में इसके ऊपर जो आप रेड कलर का जो लाइन देख रहे हो, जो कि LED से डेकोरेट कर रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में, हालांकि कैमरा में उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में मस्त लगता है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें मैंने DVD ड्राइव भी लगा रखा है, हालांकि आजकल के ज़माने में ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, लेकिन ये भी मेरे घर पर पड़ा हुआ था, सो मैंने उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, और बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब इसके कलर के साथ DVD का जो आउटलुक का जो कलर है वो एकदम मैच हो गया, जिस वजह से ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने इसे सेपरेटली लगाया, ऐसा लग रहा है देख के कि जैसा ये इनबिल्ड इसी के साथ लग के आया था, ऐसा इसका कलर कॉम्बिनेशन मैच कर गया है फ्रेंड्स। सो चले फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं इसका असेंबली, और आप देख सकते हो ये है कैबिनेट, और यहाँ पे अंदर आपको कुछ कैबिनेट के कुछ बंच ऑफ वायरिंग देखने को मिल रहा है, ये सारे ही वायरिंग मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा, और इन्हें कनेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। हार्ड ड्राइव के आपको इसमें 4 ड्रायर देखने को मिल रहा है, और फ्रेंड्स ये स्क्रूवलेस है, किसी भी टाइप का स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए, डायरेक्ट आप हार्ड ड्राइव को इसमें डालो, और इसके अंदर आपको 3 होल्स देखने को मिल रहा है, जो कि हार्ड ड्राइव के 3 स्क्रू के होल्स में सेट हो जाएगा, और बस ड्रायर की तरह आप इसे पुश करो और ये सेट हो जाएगा फ्रेंड्स।
और इसमें जो डीवीडी राइटर है उसे भी सेट करना काफ़ी इजी है। इसमें आपको क्रिप देखने को मिल रहा है, बस आप इसे पुश करो ये ऑटोमेटिक जाके लॉक हो जाएगा। और जब आप इसे निकालना चाहो तो ऊपर आपको क्लिप देखने को मिल रहा है, क्लिप को दबाओ खींचो बस निकल आएगा। फ्रेंड ज़्यादा कुछ झमेला ही नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा सुपर सा कैबिनेट है ये। और सो फ्रेंड्स अभी बारी आती है इसके पावर सप्लाई की, जिसे इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है। आपको इसे थोड़ा यहाँ पे रखना है, आपको कैबिनेट में रखना है और थोड़ा इसे पुश करना है और पीछे चार स्क्रू के हेल्प से आपको इसे सेट कर देना है और ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स असेंबली स्टार्ट करने से पहले मदरबोर्ड का एक क्लोज लुक देख लेते हैं कि इसमें कितने प्लग्स हैं और कौन से प्लग्स में क्या लगेगा। सो फ्रेंड्स जो आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये है एफ पैनल और इसमें रीस्टार्ट पावर और एलईडी के प्लग्स सेट होंगे। और इसके साइड में आपको USB 3.0 का प्लग देखने को मिल रहा है जो कि कैबिनेट से कनेक्ट होगा, और एक है USB 1 और USB 2। USB 1 या 2 में भी आपको एक प्लग लगाने का ज़रूरत पड़ेगा। और एक है टेम्परेचर पंप जो कि जब आप इसमें पंप यूज़ करोगे तो तब ये प्लग काम आएगा, वरना नहीं। और इसके बाद आता है सिस्टम फैन, टोटल आपको इसमें 3 सिस्टम फैन के प्लग देखने को मिल जाएगा। और फिर आता है एफ ऑडियो और यहाँ पे आपका ऑडियो लगेगा, इसी के हेल्प से आपका हेडफोन और माइक काम करेगा फ्रेंड्स। और अगला आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 SATA 3 के प्लग्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद SATA 3 के यहाँ पर आपको 2 प्लग्स देखने को मिल रहा है, ATX का भी यहाँ पे आपको प्लग्स देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और थोड़ा और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको LED CPU का सॉकेट देखने को मिल रहा है और यहीं पर ही RGB LED आपका सेट होगा अगर आप इसमें कोई RGB डेकोरेशन सेट करते हो, जैसे लिक्विड कूलर या फिर RGB फैंस। और इसी के साइड में आपको एक सिस्टम फैन का भी सॉकेट देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको CPU फैन का एक प्लग देखने को मिल रहा है और CPU OTP का आपको एक फैन देखने को मिल रहा है। CPU फैन में आपको प्रोसेसर का फैन को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपको HDMI का एक सॉकेट देखने को मिल रहा है और यहीं आपको सेट करना है इसका पावर सप्लाई। और साइड में आपको एक और सिस्टम फैन का प्लग देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स और यहीं सेट होगा इसका तीसरा सिस्टम फैन। टोटल आप इसमें 3 सिस्टम फैन यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स अभी इंस्टॉल करते हैं इसका प्रोसेसर, और इसके प्रोसेसर को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसके प्रोसेसर में देख सकते हो एक कोने में हल्का सा गोल्डन कलर में थोड़ा सा मार्क दे रखा है, आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स। और उसी साइड में एक पिन इसका मिसिंग रहेगा, मतलब एक पिन नहीं रहेगा और उसी पिन को आपको उस कॉर्नर में सेट करना है। मतलब इन शॉर्ट बोलेंगे तो ये प्रोसेसर आपका गलत लग ही नहीं सकता, आप इसे चाहकर भी गलत नहीं लगा सकते क्योंकि ये घुसेगा ही नहीं फ्रेंड्स। और आपको इसे सॉफ्टली रख देना है, ये अपने आप अंदर चला जाएगा, आपको कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं करना है। और आप इसे लॉक कर दो, बस प्रोसेसर हो गया सेट। और अभी आपको इसमें इसका कूलर सेट करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, 4 स्क्रू के हेल्प से आप इसे लगा दो और ये फिक्स हो जाएगा। और थर्मल पेस्ट पहले से ही आपको इसके हीट सिंक में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, और CPU फैंस के प्लग में आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। सो फ्रेंड्स अभी बारी आती है रैम की, कि रैम को कैसे इंस्टॉल करना है। रैम को भी इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी है, आप मदरबोर्ड के रैम सॉकेट के दोनों साइड के लॉक को खोल दो, उसके बाद रैम को जेंटली आपको रख के पुश करना है। अगर आपने सही डाला होगा तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा, और अगर आपने गलत लगाया होगा तो रैम घुसेगा ही नहीं। फिर आपको मदरबोर्ड के लॉक से अपने रैम को लॉक कर देना है फ्रेंड्स, बस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इजी है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा मदरबोर्ड हो गया पूरी तरह से रेडी, अब हमें इसे इंस्टॉल करना है कैबिनेट में। और फ्रेंड्स आगे का वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगा, पार्ट 1 वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स।